दोस्तों, साल 2012 में टीवी पर प्रसारित हुआ बेहद रोमांटिक सीरियल पुनर्विवाह को भला कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें यश के किरदार में नजर आए अभिनेता गुरमीत चौधरी ने अपने सीरियसनेस के साथ साथ रोमांटिक अंदाज से भी दर्शकों द्वारा खूब सुर्खियां बटोरी। इसीलिए तो अभिनेता गुरमीत चौधरी आज भी अपने इस किरदार के लिए जाने जाते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीरियल में यश की भूमिका के लिए अभिनेता गुरमीत चौधरी से पहले टीवी के कई दूसरे अभिनेताओं को अप्रोच किया गया, लेकिन इन अभिनेताओं ने अपनी किसी न किसी वजह को लेकर इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया। किसी ने अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, तो किसी ने अपने इंटरेस्ट को लेकर। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही चुनिंदा अभिनेताओं से रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने सीरियल में यश के किरदार को ठुकराने से पहले एक सेकंड का भी वक्त नहीं गवाया। तो चलिए जानते हैं कौन है वो अभिनेता। नंबर वन, करणवीर वोहरा। जी हाँ, सीरियल में यश के किरदार को ठुकराने वाले अभिनेताओं में एक नाम है करणवीर वोहरा का भी, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि इनका बिजी शेड्यूल था। आपको बता दें कि करणवीर को जब इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया, तब उस वक्त वो कबूल है मैं आहिल के किरदार को निभा रहे थे और एक यही रीजन था कि इन्हें इस किरदार को निभाने से साफ इनकार करना पड़ा। नंबर टू, शब्बीर अहलूवालिया। जी हाँ, सीरियल कुमकुम भाग्य है के फेम एक्टर शब्बीर अहलूवालिया भी उन अभिनेताओं में से एक हैं जिन्हें सीरियल पुनर्विवाह में यश के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन अभिनेता शब्बीर अहलूवालिया ने इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया क्योंकि इन्हें ना तो सीरियल की कहानी पसंद आई ना ही सीरियल में यश का किरदार, जिसकी वजह से इन्होंने इसको ठुकराना ही बेहतर समझा। नंबर थ्री, अरमान बहल। अभिनेता अरमान बहल वही हैं जिन्हें आपने सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा में लीड रोल निभाते देखा होगा। बता दें कि अभिनेता अरमान कभी नहीं चाहते थे कि उन्हें सीरियल पुनर्विवाह में यश के किरदार को ठुकराना पड़े, लेकिन जिस वक्त इन्हें ये किरदार ऑफर किया गया, उस वक्त ये सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा के लिए काम कर रहे थे और साथ ही अपने अपकमिंग सीरियल दो दिल बंधे एक डोरी से को भी साइन कर चुके थे, जिसकी वजह से इन्हें अपने हाथ से इस गोल्डन चांस को गंवाना पड़ा। नंबर फोर, विवियन डिसेना। सीरियल में यश के किरदार को ठुकराने वाले अभिनेताओं के लिस्ट में विवियन डिसेना का भी नाम शुमार है, जिसके पीछे की वजह बिजी शेड्यूल टाइम के साथ साथ इंटरेस्ट भी है। बता दें कि अभिनेता विवियन डिसेना पहले ही सीरियल मधुबाला को साइन कर चुके थे, साथ ही इन्हें सीरियल पुनर्विवाह की स्टोरी भी कुछ पसंद नहीं आई, जिसके चलते इन्होंने तुरंत ही यश के किरदार को निभाने से मना कर दिया। तो दोस्तों, अगर सीरियल पुनर्विवाह में यश का किरदार अभिनेता विवियन डिसेना निभाते, तो क्या ये अभिनेता गुरमीत चौधरी का रिकॉर्ड तोड़ पाते या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और चटपटी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।